हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की चाट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हुए हैं, चार बॉयल आलू लिए हुए हैं हमने, 1 टेबल स्पून हमने धनिया लिया हुआ है, इसको हमने टिक्की के लिए फिलिंग तैयार करने के लिए लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, 1 पिंच हमने हींग लिया हुआ है, 1/4 टीस्पून हमने गर्म मसाला, 1 टीस्पून हमने नमक लिया हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 10 से 12 हमने किशमिश ली हुई है, ये स्टफिंग में डालेंगे हम। 10 से 12 हमने काजू लिए हुए हैं, एक हरी मिर्च बारीक काट के रखी हुई है, 1 इंच का टुकड़ा लिया हुआ है मैं जिसको बारीक काट के रखे हुए हैं अदरक का, 1 टेबल स्पून हरा धनिया, 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून हमने चाट मसाला लिया हुआ है, ये हम सर्व करते हुए चाट मसाला यूज़ करेंगे, 1 टेबल स्पून चॉप की हुई हमने बारीक प्याज कटी हुई ली हुई है, ये हम सब मसाले, भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून हमने लिया हुआ है, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हमने नमक लिया हुआ है, ये हम ऐड करेंगे चाट में जब बनाएंगे हम। ये हमने हरी मिर्च पुदीने की चटनी ली हुई है, अगर आपको हरी पुदीने की चटनी देखनी है तो आप दही की चटनी डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। ये हमने दही ली हुई है जिसको हमने फेंट के रखा हुआ है, 1 बाउल हमने दही ली हुई है, ये हमने इमली की चटनी ली हुई है, ये होममेड चटनी है, कुछ हमने आलू लिए हुए हैं, 1 बड़ा आलू है जिसको बारीक काट के रखा हुआ है। सबसे पहले हम टिक्की बनाने के लिए आलू की फिलिंग तैयार करेंगे, ये बॉयल आलू है, हम इनको मैश कर लेंगे अच्छे से, हमें इन्हें मैश करना है। आलू को हमने मैश कर लिया है, अब हम इसमें सभी मसाले मिलाएंगे, सभी मसाले को मिक्स कर देंगे, धनिया, हरी मिर्च और हरा धनिया भी ऐड कर देंगे, अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसकी हमारा गर्म हो गया है, तवे पे हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। अब हम इसे चार बड़े आलू थे हमारे, इसमें हमारी 10 टिक्कियां बन गई हैं। इसी तरीके से
चारों तरफ थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। हल्का सा ऊपर भी लगा देंगे। अभी टिक्की हमारी एक ही बारी में आ जाएंगे। हम लो फ्लेम पे सेक लेंगे। हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इनको चेंज कर देंगे साइड। इस साइड हमने पहले से ऑयल लगा के रखा हुआ है। साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे हम। अब उनमें ऑयल नहीं डालेंगे। अभी साइड से एक स्पून होने तक तरीके से इनको सभी को चेंज कर देंगे साइड। इस साइड से ही अच्छी क्रिस्पी हो चुकी है, इनको इस तरीके से सेक लेंगे। टिक्की को एक बार चेक कर लेंगे, हमारी दोनों तरफ से सीख चुकी है अच्छी क्रिस्पी। गैस को मूव कर देंगे, इनको अलग निकाल देंगे। गैस का ऑयल टिश्यू पे आ जाए। ऑयल हमारा काफी बच चुका है, 1 टेबल स्पून एंड हाफ लगाया है हमारा।